इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 टेक्निकल इंडिकेटर्स फॉर सक्सेसफुल ट्रेडिंग और ये भी जानेंगे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए ट्रेडर्स इन पांचों इंडिकेटर्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टे अहेड यूट्यूब चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप उसे सबसे पहले देख सकें। हम पांच मोस्ट यूज्ड टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। इन टेक्निकल इंडिकेटर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो भी वैल्यू चाहिए वो एक कैंडलस्टिक के ऊपर अवेलेबल होती है। किसी भी कैंडलस्टिक के ऊपर चार चीज़ें अवेलेबल होती है, यानी कि ओपन प्राइस, हाई, लो, क्लोज, ये सारी चारों चीज़ें इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है कैंडलस्टिक के ऊपर। और उसी इंफॉर्मेशन को ले करके हम इन टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में नहीं जानते तो हमने दो बहुत ही बेहतरीन वीडियोज बनाए हुए हैं जिसकी मैं लिंक इस आई बटन पे दे देता हूँ, वहाँ से आप जा करके उसे सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट ट्रेडर्स डू व्हाइल सिलेक्टिंग टेक्निकल इंडिकेटर्स। नंबर वन, डोंट ओवरलोड योर स्क्रीन विद टेक्निकल इंडिकेटर्स। अपने स्क्रीन के ऊपर उतने ही टेक्निकल इंडिकेटर्स रखें जितने आप इस्तेमाल करते हैं। नंबर थ्री, अगर आपका ट्रेड में नुकसान हो जाता है यानी कि लॉस हो जाता है तो कभी भी अपने टेक्निकल इंडिकेटर को उसका जिम्मेदार मत ठहराइए, क्योंकि कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको हर बार करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगी, हर बार आपको प्रॉफिट ही कमा करके देगी। इसलिए अपनी प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि टेक्निकल इंडिकेटर्स पर अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसके ऊपर। टेक्निकल इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। टेक्निकल इंडिकेटर दो तरह के होते हैं। बेसिकली टेक्निकल इंडिकेटर्स मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं, यानी कि मार्केट भी दो तरह की होती है। मार्केट होती है ट्रेंडिंग मार्केट्स और साइडवेज मार्केट। और ट्रेंडिंग मार्केट के लिए अलग इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ती है और साइडवेज मार्केट के लिए अलग इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ती है। अभी आप चार्ट पे जैसा कि देख पा रहे हो कि ट्रेंडिंग मार्केट बहुत ही क्लियर है कि वहाँ पे मूवमेंट बहुत ही क्लियर होती है, बहुत ही फास्ट मूवमेंट होती है। और साइडवेज मार्केट में एक पर्टिकुलर रेंज में स्टॉक या फिर इंडेक्स जो भी आप देख रहे हैं वो ट्रेड करता रहता है, उसी रेंज में घूमता रहता है। आइए अभी टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में जानते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर नंबर वन इज RSI। RSI का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है कि ये स्टॉक की मूवमेंट की स्ट्रेंथ को बताता है, कितनी स्ट्रेंथ है स्टॉक में ये दिखाता है। इसकी वैल्यू 0 और 100 के बीच में ऑस्किलेट करती है। अगर वैल्यू 70 के ऊपर है तो ये कहा जाता है कि स्टॉक ओवरबॉट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खरीदा जा चुका है और वहाँ से एक रिवर्सल आने की संभावना है। और अगर RSI की वैल्यू 30 के नीचे है तो ये कहा जाता है कि स्टॉक बहुत ही चीप भाव में अवेलेबल है और उसे खरीद सकते हैं, यानी कि ओवरसोल्ड लेवल्स पर है। ये टेक्निकल इंडिकेटर अधिकांश समय सही सिग्नल देता है, यानी कि जब भी ओवरसोल्ड एरिया में पहुंचता है तो वहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिलता है, और अगर ओवरबॉट एरिया पे पहुंचता है तो वहाँ से भी नीचे की साइड में रिवर्सल देखने को मिलता है। लेकिन जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होती है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेंड कर रही होती है, तो ये इंडिकेटर गलत सिग्नल्स भी देता है, जैसे कि चार्ट पर देख पा रहे हो। तो इसलिए ट्रेडर्स द्वारा इसका इस्तेमाल दूसरे इंडिकेटर्स को मिला करके भी किया जाता है, जैसे कि MACD इंडिकेटर के साथ में RSI इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जितने भी फॉल्स सिग्नल मिल रहे होते हैं RSI इंडिकेटर से उसे बचा जा सके। टेक्निकल इंडिकेटर है MACD इंडिकेटर। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस भी एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर है जो कि ट्रेडर्स द्वारा यूज किया जाता है। MACD इंडिकेटर दो EMAs की मदद से बनाया गया है, यानी कि 12 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। MACD इंडिकेटर के अंदर तीन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं। एक होती है MACD लाइन, दूसरी होती है सिग्नल लाइन और तीसरा होता है हिस्टोग्राम। यहाँ पे एक बीच में जीरो लाइन भी कही जाती है जो कि सेंटर लाइन है। जब भी छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ में तोड़ती है तो हमारे MACD इंडिकेटर पर सिग्नल लाइन और MACD लाइन सेंटर लाइन के ऊपर आ जाती है। और जब भी छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ में तोड़ती है तो हमारे सिग्नल लाइन और MACD लाइन सेंटर लाइन के नीचे आ जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अभी हम बात करते हैं कि हाउ डू ट्रेडर्स ट्रेड MACD इंडिकेटर।
यानी कि एमएसीडी इंडिकेटर की मदद से कैसे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। तो इसका ट्रेड करने के लिए दो माध्यम ज़्यादातर ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। नंबर वन, जब भी एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की साइड में तोड़ती है तो वहाँ पे बाई कॉल जनरेट करते हैं, यानी कि वहाँ पे बाई करना पसंद करते हैं। और जब भी एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ में तोड़ती है तो वहाँ पे शॉर्ट करना पसंद करते हैं, यानी कि सेल करना पसंद करते हैं। दूसरा माध्यम जो एमएसीडी इंडिकेटर को ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा तरीका जो इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं डाइवर्जेंस। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो, प्राइस जब लोअर लोज बना रहा हो और एमएसीडी इंडिकेटर पर हायर लोज बन रहे हो, तो ये एक डाइवर्जेंस का एग्जाम्पल है। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो, उसके बाद में एक रिवर्सल आता है, ये एक रिवर्सल भी इंडिकेट करता है डाइवर्जेंस, कभी भी स्क्रीन पर दिखाई दे तो। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर्स की ह्यूज डिमांड के बाद हमने हमारा सिग्नेचर प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम, जिसकी ऑफलाइन मोड में वैल्यू ₹28,000 है, उसको वीडियो फॉर्मेट में रिलीज किया है सिर्फ 499 में, जिसकी लेंथ करीब 3 घंटे की रहने वाली है। इस वीडियो प्रोग्राम में जो भी सिखाया गया है उसे अच्छे से सीख लिया तो फिर कभी भी आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। ट्रस्ट मी, ये 499 आपकी जिंदगी की सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। वीडियो प्रोग्राम पाने के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेक्निकल इंडिकेटर नंबर 3 इज बोलिंगर बैंड्स। बोलिंगर बैंड शुरू तो मूविंग एवरेज से होता है, जो सेंटर लाइन होती है बोलिंगर बैंड में, ये होती है एक सिंपल मूविंग एवरेज लाइन। और अपर बैंड, अपर लाइन, और जो लोअर बैंड होती है जिसे लोअर लाइन भी कुछ ट्रेडर्स कहते हैं, ये होती है स्टैंडर्ड डेविएशंस। जो बाई डिफॉल्ट सेटिंग होती है बोलिंगर बैंड में वो टू स्टैंडर्ड डेविएशंस की होती है, दो स्टैंडर्ड डेविएशन की। इसे चेंज करके हम अपनी जरूरत के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश ट्रेडर्स इसे दो स्टैंडर्ड डेविएशन पे ही रखना पसंद करते हैं। जब भी प्राइस बहुत ही रैपिडली मूव करता है, वोलेटिलिटी बहुत ही स्पीडअप होती है, बढ़ती है, तो ये जो बैंड्स हैं, जो ये बोलिंगर बैंड है, ये वाइडन होता है, यानी कि चौड़ा हो जाता है। और जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती है तो बोलिंगर बैंड स्क्वीज हो जाता है, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ही लो है। लेकिन एक इंडिकेशन ये है कि जब भी स्क्वीज होता है बोलिंगर बैंड, इसका मतलब ये है कि आगे वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है, क्योंकि बहुत ही स्क्वीज्ड उसमें नहीं रहता है बोलिंगर बैंड बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक, तो उसके बाद में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। कुछ ट्रेडर्स बोलिंगर बैंड्स को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड एरिया की तरह पे भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही प्राइस अपर बोलिंगर बैंड को छूता है, अपर बैंड को छूता है, तो वहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं या फिर अपनी जो भी लॉन्ग पोजिशंस होती हैं उसे निकाल देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अभी वोलेटिलिटी बहुत हाई है और प्राइस वापस से करेक्ट होने वाला है, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और जैसे ही लोअर बैंड को टच करता है बोलिंगर बैंड, वहां पर उसे बाय करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि विक्स अभी ऊपर बढ़ने वाली है, वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है और प्राइस में एक अपर साइड में करेक्शन देखने को मिल सकता है। टेक्निकल इंडिकेटर नंबर 4 इज सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इज एन अमेजिंग इंडिकेटर। ये बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर होता है। बेसिकली इसका मेन फंक्शन है, जो सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है, वो होता है कि जब भी मार्केट ट्रेंड में होती है उस वक्त इसके सिग्नल्स बहुत ही बढ़िया होते हैं, यानी कि मार्केट में आने वाले सबसे बड़े मूवमेंट्स को सुपर ट्रेंड इंडिकेटर सबसे बढ़िया टाइम पर एंट्री दिलाता है और सबसे अच्छे टाइम पर एग्जिट भी दिलाता है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में सिग्नल्स बहुत ही क्रिस्प होते हैं। अगर आप मार्केट में बहुत ही नए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं जानते हो टेक्निकल्स के बारे में, तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको इस्तेमाल करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जब भी मार्केट में पुल बैक्स आते हैं, जब भी मार्केट ऊपर चल रही हो मान लीजिए, और वहाँ से एक पुल बैक, छोटा सा करेक्शन आता है, तो वहाँ पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर पे वो अपॉर्चुनिटी बहुत ही विजिबल होती है, बहुत ही अच्छे से उसे देख सकते हैं। इंडिकेटर नंबर 5 इज कन्फ्लुएंस। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे 3 इंडिकेटर्स का। नंबर 1 इज RSI इंडिकेटर, नंबर 2 इज MACD इंडिकेटर और नंबर 3 इज सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। जैसे कि हमने सीखा, RSI इंडिकेटर में ओवरबोट एरियाज या फिर ओवरसोल्ड एरियाज हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, यानी कि अगर स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है तो वहां से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वापस से ऊपर की साइड में आने के चांसेस हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि RSI जैसे ही ओवरसोल्ड हो जाती है, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं RSI ओवरसोल्ड हो रही है, तो हम वहां पे बाई नहीं करेंगे डायरेक्ट, हम इंतजार करेंगे MACD इंडिकेटर के बुलिश होने का। तो उसके बाद में हम देखेंगे RSI के बाद में हम MACD इंडिकेटर की तरफ में देखेंगे।
जब भी एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की साइड में तोड़ती है तो वो हमारे लिए कंफर्मेशन है कि यहाँ से वापस से ऊपर की साइड में मोमेंटम शुरू हो रहा है। और उसके साथ साथ हम इंतज़ार भी करेंगे कि आरएसआई इंडिकेटर जो 30 के नीचे था वो 30 के ऊपर आए, तो ये हमारे लिए डबल कन्फर्मेशन है। तीसरी कन्फर्मेशन हमारे लिए ये होगी कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर पर भी बाई सिग्नल आ जाए, यानी कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर भी बाई दिखाए, तो वहाँ पर हम अपनी पोजिशंस को बाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम सेल का एग्जाम्पल लें तो जैसे ही आरएसआई इंडिकेटर सेल दिखाए तो हम इंतज़ार करेंगे एमएसीडी इंडिकेटर का, एमएसीडी इंडिकेटर पर भी जैसे ही सेल सिग्नल दिखाए तो हम इंतज़ार करेंगे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के सेल सिग्नल दिखाने का, और वहाँ पर फिर हमारी पोजीशंस को लेने की कोशिश करेंगे, लेने की सीखेंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। आगे आप क्या देखना चाहते हैं ये ज़रूर हमें बताएं, क्योंकि हम हमारे कमेंट्स को बहुत ही अच्छे से समझते हैं, देखते हैं और उसके बाद में हम हमारे अगले वीडियोज़ बनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।